यहाँ का जो कलेक्शन है जो यहाँ पे लॉन्च हो रहा है मैप का, उसके बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को बताइए, और छाया जी के साथ किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप? वेल, छाया को मैं जानता हूँ ऑलमोस्ट 20-22 साल से. ये मेरी पहली प्राइवेट लेसन स्टूडेंट थी विथ हर हस्बैंड निखिल, एंड इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी सिंस देन. तब से लेकर आज तक हमारा एक फैमिली का रिश्ता रहा, और आज जब उन्होंने अपना ये स्टूडियो खोला है, अपना पूरा कलेक्शन लॉन्च किया है, इट फील्स सो वंडरफुल. मैंने जो पहना है आज, ये भी उन्होंने मुझे दिया था, एंड इट जस्ट फील्स अमेजिंग कि हर बार जब मैं बाहर जाता हूँ मैं छाया गांधी के डिज़ाइंस पहनता हूँ. इट जस्ट फील्स ब्यूटिफुल टू बी एसोसिएटेड विद अ लेडी लाइक हर. बहुत टैलेंटेड हैं और क्रिएटिव हैं, पैशनेट हैं. आई थिंक ये चीज़ जो तीन चीज़ें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती हैं एक डिज़ाइनर के लिए, और ये तीनों क्वालिटीज इनके अंदर हैं, एंड दैट इज व्हाई आई एम श्योर शी विल शाइन रियली वेरी वेल. छाया जी क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले संदीप सर यहाँ पर हैं, उनके साथ किस तरह का बॉन्डिंग शेयर करते हैं इस बारे में बताइए हमारी ऑडियंस. संदीप इज माई म्यूज. मुझे कुछ भी अगर डिज़ाइन करना है या कुछ क्रेजी आइडिया आता है, द ओनली पर्सन आई विल थिंक ऑफ इज संदीप, बिकॉज आई नो दैट ही विल वेयर द डिज़ाइन एंड ही विल कैरी इट ऑफ. मेरी अगर कोई मिस्टेक भी है या इफ आई एम थिंकिंग ऑफ समथिंग, ही विल टेल मी छाया हाउ अबाउट दिस, हाउ अबाउट दैट, एंड आई थिंक माई डिज़ाइंस आर गेटिंग बेटर एंड बेटर बिकॉज ऑफ हिम, यू नो, बिकॉज आई एम एबल टू क्रिएट नोइंग दैट ही विल वेयर इट, नोइंग दैट ही विल ब्रिंग वैल्यू टू दैट प्रोडक्ट. संदीप सर आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब कितना सजेशन देते हैं, और थोड़ा सा बताइए कि कलेक्शन के बारे में कितना आइडिया रखते हैं आप? वेल, ये कलेक्शन जो इनका भी राइट नाउ है, ये है बूंद कलेक्शन, उन्होंने भी लॉन्च किया है, अभी नया वाला भी आने वाला है. आई स्टिल रिमेम्बर मैंने इनके लिए एक मॉडलिंग की थी, एक जब टाइगर कलेक्शन था इनका, वो मैंने पहना था जैकेट. ये जो मैंने पहना, ये मैंने यूनाइटेड नेशंस ऑफिस में पहना, जब मेरा लॉन्च हुआ था एक डांस शो का, तब मैंने ये पहना था. लंदन फैशन वीक के लिए हम लोग चले थे जब इन्होंने वहाँ पे शोकेस किया था. सो आई थिंक हर बार जब ये कुछ भी करती हैं, मुझे आई एम हम्बल्ड कि मुझे बुलाती हैं, एंड इट्स ऑलवेज ग्रेट टू वेयर डिज़ाइंस विच आर सो वेरी क्रिएटिव एंड नॉट लाइक नॉर्मली जो आप लोग देखते हैं. एंड आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज़ ये दिल से बनता है, जो दिल से बनता है हमेशा अच्छा ही लगता है, एंड आई थिंक दैट इज़ व्हाट शी डज. संदीप सर आपको हमने देखा है कि आप जो है करंट ट्रेंड को फॉलो करना पसंद करते हैं, हमने देखा कि डिफरेंट स्टाइल्स और डिज़ाइंस में हमेशा आप दिखाई देते हैं, तो उस बारे में कुछ बताइए कि किस तरह की फैशन ट्रेंड को फॉलो करना पसंद करते हैं जो? वेल, आई थिंक ट्रेंड जो है ये अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से होता है, एंड डेफिनेटली वी ऑल्सो डिस्कस टुगेदर कि क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए एंड वॉट विल सूट द पर्सनैलिटी और नॉट, एंड उसके हिसाब से हम लोग करते हैं. बट आई थिंक समवेयर आई डू फॉलो द ट्रेंड्स, येस, बट द सेम टाइम कहीं कहीं पे क्लासिक फील भी जो है वो मैं रखना पसंद करता हूँ एट द सेम टाइम, एंड उसके लिए मुझे हेल्प यहाँ से लगती है. तो शी इज़ सेइंग दैट शी इज़ डिज़ाइनिंग फॉर मी, बट आई थिंक ऑल बिकॉज ऑफ हर दैट आई एम वेयरिंग व्हाट आई एम वेयरिंग. सो आई थिंक इट्स ऑलवेज डिज़ाइनर और मॉडल का एक रिश्ता होता है हमेशा, और यही रिश्ता हमारा भी है. पहले एक स्टूडेंट टीचर का था, अभी दोस्त का है, एंड जैसे ही बढ़ता जाता है उतना स्ट्रांग होता जाता है. और फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, तो ऐसा कोई जो ड्रेसिंग टिप या फिर ऐसा कुछ शेयर करना चाहेंगे हमारी ऑडियंस? ओह, द टिप्स आई थिंक मैडम शुड शेयर अबाउट टिप्स टू वेयर फॉर दिवाली, सो प्लीज गो अहेड छाया. वेल, आई थिंक बिकॉज ऑफ कोविड एंड ये लास्ट दो साल में जो भी हुआ है, पीपल आर ऑप्टिंग फॉर मोर क्लासिक कैजुअल स्टाइल्स इवन फॉर दिवाली. यस, ज्वेलरी पहन लो लेकिन ड्रेसिंग कैजुअल रहता है, यू नो, दैट इज़ आई थिंक अ लॉट इन ट्रेंड दिस सीजन एट लीस्ट. क्योंकि हैवी सारीज ऑलवेज इन फैशन, लाइट सारीज ऑलवेज इन फैशन, बट दिस टाइम द ट्रेंड इज गोइंग टू गो विद ज्वेलरी मोर, विद एथनिक ज्वेलरी मे बी, बट पैन सूट्स आर इन एब्सोल्युटली इन इंडिया टुडे. संदीप सर, दिवाली का फेस्टिव सीजन चल रहा है और दो साल से हम देख रहे हैं कि सब लोग घर में थे, फाइनली जो है कोविड खत्म होने वाला है, आपके क्या प्लान्स हैं इस दिवाली के? वेल, अभी तो प्लान यही है कि छाया का जो सेलिब्रेशन है उसमें हम लोग हिस्सा बने, घर पे ही रहेंगे, अभी तक गया नहीं है कोविड, सो डेफिनेटली प्रिकॉशन देने ज़रूरी है हमारे लिए, सबके लिए, आप सबके लिए, सो प्लीज़ स्टे सेफ. एंड यस, एक बात ज़रूर बोलूँगा, पटाखे मत चलाइए, पोल्यूशन बढ़ता है और बहुत हार्मफुल भी होता है, सो लेट्स हैव अ सेफ दिवाली एंड अ हैप्पी दिवाली. रतन, आप क्या कहना चाहेंगे कलेक्शन के बारे में, छाया मैम के साथ किस तरह का बॉन्ड शेयर करते हैं? बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. लाइक आई हैव नोन छाया फॉर सो मेनी इयर्स नाउ, लाइक 4 इयर्स अगो उन्होंने सबसे पहले मेरे लिए एक आउटफिट दिया था, एंड सिंस देन आई बीन इन लव विद हर डिज़ाइंस बिकॉज आई लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद फैशन, एंड वो हमेशा, उनका बहुत ही एक डिफरेंट कंटेम्प्रेरी टेस्ट है,
So it fits well with my personality. So I absolutely love wearing a design. And right now what I'm wearing is also this. This is called as a kabuki pant. Never seen, never heard about it before. But I feel awesome wearing it. So I am in love with her designs. And I want to congratulate her. It's her studio launch, finally. She's launching the studio. And now like people will get to wear her designs. And I think it's a great thing. And I'm really, really glad to be a part of this event. Thank you for inviting me. एंड ऑल्सो दिल्ली में जो आपने फैशन वॉक किया था, रैंप वॉक किया था, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था. क्या एक्सपीरियंस था, उस बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, आई लव्ड इट. एंड होपफुली सून आई विल डू इट विद छाया ऑल्सो. आई मीन शी इज गोना हिट एवरी फैशन वीक सून, आई एम प्रीटी श्योर. एंड स्पीकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस, इट वॉज रियली गुड. एंड या दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक. छाया मैम, आपसे जानना चाहूँगा, यहाँ पे सारे फीमेल्स के जो है फैशन क्लोथ्स दिखाई दे रहे, तो क्या मेन्स स्टूडियो भी लॉन्च करने का कोई प्लान है, अगर उस बारे में कुछ है? आई थिंक माय हार्ट इज़ ऑलवेज इन मेंस वेयर. ओके, ये मैंने विमेंस वेयर लॉन्च किया है, बट आई जस्ट टोल्ड संदीप नेक्स्ट कलेक्शन डेफिनेटली मेंस वेयर, बिकॉज दैट इज़ व्हाट आई एम गुड एट एंड दैट इज़ व्हाट आई लव डूइंग. और संदीप सर, हम आपको ही देखेंगे इनके, जो जैसे मैम ने कहा कि और एक जो स्टूडियो ऑलवेज 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 कांट डू इट विदाउट संदीप. संदीप सर, आज जो है शाहरुख खान का जन्मदिन है, कुछ बेस्ट विशेस देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, और क्या कहना चाहेंगे उनके साथ की मेमोरी के बारे में? Well, I would just like to say I have met him many a times at couple of occasions, be it award shows or kuch filmon ke liye maine baat ki thi. I want to wish the most talented man all the very best and a very, very happy birthday. Okay. Any of your upcoming project you would like to share with us? Well, I think right now most important is Chhaya Studio. So let us all just talk about that. Right. Also, जो है शाहरुख खान का जन्मदिन तो आ चुका है, लेकिन इससे पहले बहुत सारी मुश्किलें जो है उन्होंने क्रॉस की. आर्यन खान को आपने देखा कि इतने सालों तक जो है behind the bars थे, क्या कहना चाहेंगे उस बारे में, और क्या कोई मतलब आपकी तरफ से मैसेज होगा शाहरुख के लिए? वेल, माई मैसेज इज नॉट जस्ट फॉर शाहरुख खान और फॉर हिज सन. माई मैसेज इज टू एवरीबडी दैट लेट्स ऑल ट्राई आर बेस्ट टू लिव अ वेरी सिंपल लाइफ, बिकॉज दैट्स द बेस्ट लाइफ. आई स्टिल रिमेंबर दिस कोट फ्रॉम लियोनार्डो डा विंची, द वेरी फेमस पेंटर, हु सेड दैट सिंपलिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन. सो लेट्स ट्राई टू लिव अ सिंपल लाइफ एंड आई थिंक दैट्स वॉट मेक्स द बेस्ट लाइफ. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you.